रोशन रोही और किरण सिंह में जो भी विवाद हो रहा है, इस विवाद का आखिर पूरा जड़ कौन है? किसका गलती है? रोशन रोही का गलती है या फिर किरण सिंह का गलती है? और कल मैंने एक वीडियो डाला था मुस्कान केटी के ऊपर, जिसका वीडियो पे आप सभी ने काफ़ी अच्छा प्यार और सपोर्ट दिखाया है। तो मुस्कान केटी जो है रोशन रोही के साथ भी वीडियोस वगैरह बनाई है, और आशीष यादव के साथ तो बनाई ही है, क्योंकि आशीष यादव के तो वो बहुत ही ज़्यादा करीबी दोस्त रही है, मित्र रही है। और रोशन रोही के साथ भी जो है मुस्कान केटी ने जो की है गाना वगैरह जो है बनाई हुई है ऑलरेडी पहले से। ये लोग जो है मगही इंडस्ट्री में जो है ज़्यादा वीडियोज़ बनाए हुए, जैसा कि आप सभी को पता है कि किरण सिंह और रोशन रोही के बीच में जो एक काफी भयंकर विवाद अभी मतलब चल रहा है, छोटा मोटा नहीं, काफी भयंकर विवाद हो गया है। विवाद इसलिए हुआ है कि रोशन रोही जो थे वो एक मगही इंडस्ट्री गाना गाया करते थे, मगही इंडस्ट्री के वो एक कलाकार हैं, और किरण सिंह भी मगही इंडस्ट्री की कलाकार है, भोजपुरी में भी वीडियोज वो लोग बनाया करते थे। तो ऐसा हुआ कि उन लोग जो है 2 साल पहले जो है मिले हुए थे एक दूसरे से, रोशन रोही जो है किरण सिंह से जो है मिले, और उन दोनों का जो है गाने का एक जगह एक गाने में जो है शूट हुआ, और उन दोनों के उसी गाने में शूट के बाद जो उन लोग का जो गाना है वो भी मतलब कई ज्यादा जो है वायरल होता है, जिस गाने के वायरल होने की वजह से उन दोनों के बीच में जो है वायरल, गाने के वायरल होने से नहीं, उन दोनों के बीच में ऐसे ही अट्रैक्शन होता है जिससे उन दोनों को जो है प्यार हो जाता है, और वो लोग जो है 2 साल तक रिलेशनशिप में रहते हैं और एक लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। रोशन रोही जो है जैसा कि बता रहे थे कि हाँ मैं जो हूँ उनके साथ रह रहा था फ्लैट पे, किरण सिंह अपना इंटरव्यू में वो बयान दे रही हैं कि मेरे को रोशन रोही मेरा घर द्वार सब छोड़वा दिए और मैं इन्हीं के भरोसे में इन्हीं के साथ में रहती थी, 2 सालों तक मैं इनके साथ रही लिविंग रिलेशनशिप में, फ्लैट पे हम लोग रहा करते थे, और आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि रोशन रोही मुझे सब जगह से ब्लॉक कर दिए। तो इसके दौरान जब रोशन रोही से जब इंटरव्यू लिया गया, तो रोशन रोही जैसा कि बता रहे हैं कि कोई भी लड़की कोई भी कलाकार अगर वो किसी और आदमी से अगर बात करे, अगर उस चीज़ को अगर मैं देखूं, तो कौन कलाकार चाहेगा भाई उस लड़की से शादी करना, चाहे वो कलाकार हो या फिर नॉर्मल इंसान हो, कोई भी नहीं चाहेगा। अगर कोई भी लड़की किसी और लड़के से अगर बात करेगी तो लड़का उस लड़की से शादी नहीं करेगा। लेकिन कई सारे इंटरव्यू में जो है कि रोशन रोही जो है वो बता रहे थे कि किरण सिंह के साथ मैं शादी करूंगा, उन दोनों के साथ में भी जो है इंटरव्यू कई सारे रिपोर्टर लिए हैं, और वो दोनों एक दूसरे से बोल रहे थे कि हम लोग जो है एक दूसरे से शादी करने वाले हैं और बहुत जल्द करने वाले। लेकिन अचानक से जो है उन दोनों के बीच में विवाद हो जाता है, और लड़ाई जो है भैया जी इतना ज़्यादा मतलब बढ़ चुका है कि क्या ही बताया जाए। महिला विकास मंच तक ये बात गई, कई सारे न्यूज़ चैनल पे ये वीडियोस जो आ रही है। आखिर गलती किसका है, किसका गलती नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या रोशन रोही सही है या फिर किरण सिंह सही है। आखिर जब गलती है तो गलती दोनों में से किन की गलती है, आप लोग जो है कमेंट करके इस वीडियो के नीचे बताइएगा। और मुस्कान केटी का अगर आप सभी को इंटरव्यू वगैरह चाहिए होगा तो आप लोग मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करना, क्योंकि मैं मुस्कान केटी का भी इंटरव्यू बहुत जल्द लाने वाला हूँ, क्योंकि आप लोग जो है मुस्कान केटी वाले वीडियो को काफ़ी ज़्यादा प्यार और सपोर्ट दिखा रहे हो, क्योंकि इससे पहले वाले भी वीडियोज़ पर भैया जी 2.5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ गए हैं, और कल मैंने एक वीडियो डाला है जिस वीडियो पर अभी तक 12,000 व्यूज़ जो है वो क्रॉस हो चुके हैं। अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ उस वीडियो पर 12,000 व्यूज़ क्रॉस हो चुके हैं, पता नहीं आप लोग जब देख रहे होगे तब उस वीडियो पर कितना व्यू होगा, आई डोंट नो।